बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन। इस वक्त की एक खास खबर है कमर्शियल लॉकडाउन के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छी है। उमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए कुछ फैसले आए हैं कमर्शियल लॉकडाउन को लेकर, कमर्शियल मार्केट्स के हवाले से। तो उनकी जो पूरी तफसीलात है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक उमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए फैसला आया कि जो फ्यूल स्टेशन के ऊपर जो टायरों वाली दुकानें जो पंचर वगैरह लगाती हैं वो भी तमाम ओपन रहेंगी अब से। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि जो गराज वगैरह हम लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या वो वाली जो आस पास जो दुकानें होती हैं मार्केट्स के अंदर, सनाइयों के अंदर, क्या वो ओपन कर सकते हैं? नहीं भाई, वो ओपन नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूल स्टेशन के ऊपर जो दुकानें हैं वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद उमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए ये भी फैसला आया कि जो होम डिलीवरी सर्विस है वो भी इसी तरह चलती रहेगी, यानी कि जो तलबिया है वो तमाम चलते रहेंगे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। बाकी तमाम चीजें कमर्शियल मार्केट्स वगैरह तमाम बंद रहेंगी रात 8 से लेके सुबह 5 बजे तक 20 मार्च 2021 तक। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं उमान स्प्रिंग कमेटी के हवाले से, और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रौफ फजल अजीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।